पहुंच गए जी मार्केट और अभी यहाँ आ गए खरीदारी करने के लिए, तो सीधा चलते हैं। वैसे बारिश भी होने लगी है, इतना सुई से फायदा होगा ना, बारिश से नुकसान हो जाएगा। बाहर तो बारिश है जी, अभी तक कंटिन्यू है। और क्रियांश को आज वैक्सीन लगना था, कल तो जा नहीं पाए क्योंकि कल भी हो रही थी बारिश और आज भी बारिश के वजह से लग रहा है जा नहीं पाएंगे क्योंकि बाहर हो रही है बहुत ही तेज बारिश। पापा भी उसी इंतजार में है कि बारिश रुके और वह खाना खा करके जो है कोर्ट निकलेंगे। फिलहाल खाना खाने तो बैठ रहे हैं वह, और इस तरह की बारिश रही उनके लिए भी कोर्ट निकलना मुश्किल हो जाएगा। खाजा और दही, दही जरूर ला लेके, दही उतना नहीं। दही कितना, दो किलो? किलो की दो किलो कथी दही? हाँ एक किलो की करब तला अपन खेबा तो ले दो किलो दही चूड़ा खा जाओ। नारियल, नारियल पानी वाला भी कैसे छिलल का से डाला लिखिए, और उसके बाद डराडो बद्धी जागो आदमी से तागो तागो तीन को डराडो तीन चार को हाँ चार को इसको तो भूलिए जाते हैं, इसको तो भूल गए थे, तुमको भूल गए थे बवा का ही हाथ में बांधने वाला उतने का। और जो भी चीज छोतरा कच्चा चीज छे और ड्राई फ्रूट्स लिखे और ड्राई फ्रूट्स अमानत रख देबे। और जो भी चूड़ी है माँ आपके पास? हाँ चूड़ी है। ठीक है, और तोरा से जो भी आना चाहिए खीरा ये सब वो तो आएगा, सब सब काम है डाला दे। औकड़ी ला कच्चा मटर हरा वाला, मटर सूखा मटर हरा वाला सूखा मटर हाँ समझ गए, बजरी वाला कौन सा बड़ी लेना है? जितिया डाला हम चलो हाँ तेल खली असल चीज तो लेवे ना। तेल कौन सा? तेल तो यही से आ जाए खली का तेल नहीं सरसों तेल खली खली लिखे खाली खली लिखे तेल ला वर्तमान में इतने और डाला का सामान आएगा सब कुछ डाला लिखे तेल खली खाजा दही चूड़ा गाजर ले डाला पर ना चले अच्छा ले बात मान लिया खाने के लिए अच्छा ले ठीक छे तो आधा किलो खाजा ला दिया वो चढ़ा दे वो चढ़ा ये देगी तो आधे किलो बेसी आधा किलो खाजा आधा किलो गाजर ठीक चले तब आज तक अब डाला के सामान सबटा आना पड़ते 17 तारीख 17 एक डाला पड़ल परसों। हे देखिए इसको, देखिए 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 इसको क्या किया, वो सब 16 का है केला खराब है केला कीड़ा ठीक है 16 पे लेंगे सर, 14 हो गया टाप सब चढ़ते सेब नाशपाती सब सारा चढ़ते डाला मच्छर जो मायसे से घूम रहा है उसको ऐसे से घूम घूम के उनके देख रहा है। ठीक है जो पहुंच गए जी मार्केट और अभी यहाँ आ गए खरीदारी करने के लिए, तो सीधा चलते हैं। वैसे बारिश भी होने लगी है लेकिन यहाँ पर शेड है तो शेड में चल लेंगे बच बच के देखते हैं। रुक जा ड्राई फ्रूट तो लेना ही है, चलो पहले वहाँ यहीं रुक जा। काजू किशमिश खा रहा है बताइए कैसे कैसे है? 800 रुपए किलो का है, 400 का हाफ किलो ठीक है, 300 रुपए किलो का है, 150 का हाफ किलो और ये 240 रुपए किलो का है, 120 का हाफ किलो 250 रुपए मिश्री लड्डू का अच्छा 750 रुपए मेरे फोन से कर दो ये देखे ना तो मेरे पास में बर्बाद हो जाए क्या सब लेता है बोल यहाँ पर पहनाने वाला इस टाइप का जो आता है बिना मोटी होती है 20 टका इसका हो गया 60 14 टका 12.96 रुपया 155 टका। यहाँ पर जितना सामान लेना था वह तो ले लिए, अब बाकी चल रहे हैं हम लोग अपने साइड। उससे बहुत पानी है अंदर जाने का, सोच रहे हैं जो है उसमें जो है अपना स्नान नहीं करें सीधा चले जाते हैं उसी पर, उधर ही चलते हैं। ले लो ना कोई पसंद ही आएगा दीदी इसी टाइप का, ले लो ना ये अच्छा लग रहा है पिंक जी। कितना है? 3 से 6 महीने के लिए ये जी। क्या रेट होगा? 8.75। तो फाइनली जी जिया ने जो है एक बच्ची के लिए कपड़ा ले लिया है और बेटियों के लिए देख रहे हैं जी कपड़ा एक पर एक मिलता है, हमारे बेटों के लिए ही जो है थोड़ा सा कपड़ों में डिजाइन थोड़ा कम मिलता है। 50 बेटी होती है, जिया जो है ले चुकी है। अब ऐसा करते हैं सीधा चलते हैं उस पर, बाकी खरीदना है क्योंकि हम लोग तो उस पर ही निकलने वाले थे लेकिन थोड़ा बीच में रुक गए क्योंकि जिया को कपड़ा लेना था। चलते हैं। The next day. मार्केट से सारी खरीदारी करके आ गए जी और अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और सुबह के 9 बजे जो है माहौल कैसा है अभी आपको दिखाते हैं। तो बाहर का माहौल कुछ ऐसा है जैसा पिछले कुछ दिनों से लगातार रह रहा है, बारिश हो रही है बहुत ही तेज और यहाँ पर मम्मी जो है अपना सब्जी काट रही है और जिया उधर गए हुए अपना ब्रश करने के लिए, सारे कपड़े सब धुल चुकी है और हमारा नाश्ता यहाँ लगा हुआ है। यह जो आया था नमकीन और ठेकुआ मोनू के ससुराल से, तो मजे में हम खाते हैं
चलो वो भी ले आया जाएगा, जिया लेती आएगी वो भी खा लेगी। और यहाँ बाबू जो है बहुत देर से यहाँ पर लेटा हुआ है और हम जो है वहाँ पर अपना काम कर रहे थे और यहाँ पर ये लेटा हुआ था, खेल रहा था मजे में, है ना, मजे में खेल रहा था ना, मजे में खेल रहा था कि ना। ओए तोए 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 तोए, ओए ये क्या कर लिया तुमने, ये क्या कर लिया, ओए 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 बूम, क्या ये क्या है, तेरा उंगली पकड़ेगा, उंगली पकड़ेगा तू, पापा का हाथ पकड़ दे, चलो बेटा चलिए बाहर अब। ओए तोए तोए तोए, बाहर तो बारिश है जी अभी तक कंटिन्यू है और क्रियांश को आज वैक्सीन लगना था, कल तो जा नहीं पाए क्योंकि कल भी हो रही थी बारिश और आज भी बारिश के वजह से लग रहा है जा नहीं पाएंगे क्योंकि बाहर हो रही है बहुत ही तेज बारिश। इतना सुई से फायदा होगा ना, बारिश से नुकसान हो जाएगा इसलिए बारिश छूटेगा तब जाएगा, 10 दिन बाद हो पड़ता है, 10 दिन वैसे ही हो चुका है लेट उसको। 20 दिन बाद पर एनएनसी बेटा, कोई बात नहीं लेकिन कोशिश करेंगे कि बारिश छूटे तो बारिश छूटे तो अब जाएगा, लेकिन बारिश से भींग के जाएगा तो बीमार हो जाएगा, उसकी फीवर हो जाएगा। तो क्यों बीमार, तीनों को हो जाएगा, कोई नहीं कोई बीमार नहीं होगा। आज ही अगर डाला होता टाल मटोल करते करते अब जाकर कर लेना। तो जितिया परसों है ना, आप शाम को सारा चीज चाहिए, दही चूड़ा खाजा झिंगनी का पत्ता खल्ली तेल सुधीर सब यहाँ मिल जाएगा। ठीक है तब, खल्ली तो नहीं मिलेगा वहाँ, सुधीर बाबू के यहाँ मिल जाएगा, खल्ली भी मिल जाएगा, दही भी मिल जाएगा, चूड़ा भी मिल जाएगा। ठीक है तब, क्या दिक्कत है, मिर्च पत्ता मिल जाएगा अंकल के यहाँ चले जाना, सब चीज ले आना, डाला खाली वहाँ से लाना, कल शाम में तुम डाला और सारा जितिया डाली भरने वाला फल ले आना कल शाम। ठीक है, और दही चूड़ा कब खाते हैं सुबह में, कल कल। ठीक है तब, खाजा और गाजा सब तैयार रहेगा। 20 मिनट्स लेटर, खाना बनके तैयार है जी, पापा का खाना भी लग गया है, पापा भी उसी इंतजार में है कि बारिश रुके और वह खाना खा करके जो है कोर्ट निकलेंगे, फिलहाल खाना खाने तो बैठ रहे हैं वह, और इस तरह की बारिश रही उनके लिए भी कोर्ट निकलना मुश्किल हो जाएगा। रेनकोट मुझे ध्यान नहीं है कि बहुत दिनों से इन्होंने यूज किया है, छाता लेकर के जा सकते हैं लेकिन हम ड्राइव करेंगे, किसी ना किसी एक को भीगना पड़ेगा। अभी कोई सब्जी वाला हम लोग के दरवाजे की तरफ से गुजरता है तो बेचारा खाली हाथ नहीं जाता यहाँ, इसलिए रेडी लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करो इस लायक सब दिन बने रहे कि सब्जी वाला सब्जी बेचते हैं। और जितना भी सब्जी वाला है इस मोहल्ला से जाएगा तो इस गेट पर एक बार जरूर रुकेगा, आवाज जरूर देता है जोर से कि सब्जी लीजिएगा तो जनता का वकील साहब लेंगे। और यहाँ इसका हो रहा है मालिश, अभी तक तो मजे में करवा रहा है। सब्जी वाला जाता था इधर से, तुम्हारे दोनों मौसी जो है आभा और नैन्सी की मम्मी, वो हमेशा बोलती थी कोई खाली हाथ सब्जी वाला नहीं जाए, मेरे जीजाजी हमेशा तत्पर रहते हैं, मजाक उड़ाती थी। और यहाँ जो है अभी तक तो चुप है लेकिन जैसे ही इसके यहाँ पर मालिश होना शुरू हो जाएगा भाई साहब शोर जो मचाएगा, ओ भाई उंगली, ये उंगली करने का जो आदत हो गया है तुम्हारा, दुनिया का कोई चीज मिलेगा आप जैसे देखिए, मेरा हाथ पकड़ लिया इसको भी चाहेगा अपने मुंह में लेने का। A few moments late. तो बाबू का तो नहीं हो गया, अभी अपना भोजन कर रहा है और भोजन करते करते अपना यह सो जाएगा, और बारिश जो है अभी भी नहीं छुटी है, कब वैक्सीन लगाएगा भगवान जाने। रेडी होता है और फिर रेडी ही रह जाता है, रेडी भी इसी इंतजार में है कि बारिश छुटेगी आ जाएंगे कोर्ट छोड़ने उनको। तो बाबू का तो स्नान हो गया जी, अब बारी हमारे नहाने की, तो जाते हैं जल्दी से नहाते हैं और इसी बीच अगर बारिश छूट गई तो फिर पापा को कोर्ट छोड़ने भी जाना है, और तब तक जो है अपना नहाना खाना ये सब काम खत्म कर लेते हैं, चलते हैं फिर। तो यहाँ पर हमारा खाना लग गया जी, तो मम्मी बैठ गई है साथ में, हमारा भी खाना लग चुका है और यहाँ पर है पपीते की सब्जी जो कि हम थोड़ा सा कम क्वांटिटी में लिए हैं, जिसके लिए हमें थोड़ी सी डांट भी पड़ जाती है क्योंकि हमें यहाँ ज्यादा अच्छा लगता है नहीं। अच्छा जी तुम लोगों को लगता है अच्छा, चटर मटर नहीं, देखो दोनों ऐसा सब्जी है कि दोनों स्वाद के लिए हमको अच्छा नहीं लगता, ना भिंडी ना पपीता। भिंडी भुजिया किसको अच्छा नहीं, बस थोड़ा सा स्वाद के लिए हम इसलिए उसमें अचार ले लिए कि थोड़ा टेस्ट लगे।